देख सकते हैं लगभग एक घंटे से प्रदर्शन जारी है राजीव कॉलोनी मल्लागढ़ विधानसभा क्षेत्र में। पूर्व विधायिका कुमारी शारदा राठौर का लगातार जमकर नारेबाजी। ये देखें अभी बात करते हैं, सैकड़ों लोग मौजूद हैं। ये देखें महंगाई, बेरोजगारी, राशन कार्ड से नाम कटने के लोग काफी गुस्से में हैं। कॉलोनी के तमाम लोगों ने बताया कि राशन कार्ड से उनका नाम कट गया है। एमडी आईडी में गड़बड़ी है। निवासियों, मेरी बहनों, भाइयों, हमारे साथ आए सभी गणमान्य महानुभाव, प्यारे बच्चों, आज का यह मार्च, आज का ये जलूस हमने खट्टर सरकार के खिलाफ निकाला है, क्योंकि जब से सरकार आई है समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सारे राशन कार्ड काट दिए गए हैं, फैमिली आईडी में इतनी गड़बड़ की गई है ताकि गरीब लोगों को उनका अधिकार से वंचित रखा जा सके। बुढ़ापा पेंशन कई लाख काटती है, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी सुरसा के मुख की तरह बढ़ती जा रही है, पानी पीने को नहीं मिल रहा है, पानी के लिए घर घर बर्तन रखे हुए हैं, ड्रम रखे हुए हैं, पानी रोज खरीदना पड़ता है, और किसी भी दफ्तर में जाते हैं तो बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। तो ऐसी अंधी बहरी गूंगी सरकार का हम क्या करें? चाहे कितना कोई बोल ले, कितनी मांग कर ले, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे में हमने ये फैसला लिया है कि पल्लवगढ़ विधानसभा के 100 रूटों पे हम इस तरह का विरोध प्रदर्शन करेंगे, मार्च निकालेंगे और इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाकर रखेंगे। अगर ये नहीं जागी तो अगले साल 2024 में इसे भगाकर रखेंगे, घर बिठा के रखेंगे और कांग्रेस की सरकार को लाकर रखेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। उसी तरह सारे कॉलोनी वासी, सारे बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र वासी हमारा साथ दें ताकि इस नाकारा निकम्मी सरकार को नेस्तनाबूद किया जा सके। नगर निगम में 200 करोड़ के घोटाले हो रहे हैं,
विभाग में 40-40 करोड़ के घोटाले हो रहे हैं। जो ये अपना जो हॉस्पिटल है इसमें 38 लाख 40 लाख का भी घोटाला हुआ है, मुझे वहाँ के कर्मचारियों ने दिखाया। जो सामने नहीं आते, सुनवाई नहीं होती, कोई जांच नहीं होती। बल्लभगढ़ में राशन घोटाले में आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। और जो नगर निगम का घोटाला है 200 करोड़ का, इसको भी बहुत हल्का कर दिया गया है ताकि अधिकारी आराम से बच के निकल जाए। ये खाली अधिकारी नहीं है, नेताओं की मिली भगत से इस तरह के घोटाले हो रहे हैं और जगह जगह कब्जे हो रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए। हमारी सरकार आएगी तो बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन पूरे 6,000 मिलेगी और सबको मिलेगी जो जो इससे पात्र है। जिन लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं, उन लोगों के राशन कार्ड हम सबके बहाल करवाएंगे। फैमिली आईडी को बिल्कुल दुरुस्त करवाएंगे। सच जो बात सच है वो सच लिखी जाएगी, झूठ बात नहीं लिखी जाएगी। आपके पीने के पानी का हम प्रबंध करवाएंगे और इस भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे। जो बिना पैसे के कोई काम ही नहीं हो रहा है और जितना अपराध बढ़ रहा है, रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, इन अपराधों पर भी हमारी सरकार आएगी तो माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे और वो इस चीज का संज्ञान लेकर इस अपराध को भी खत्म करेंगे।